हेलो एवरीवन, आगे हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर दोस्तों आज जो है हमारे चैनल की दूसरी अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली। पहली अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने जो है एमब्रेन की तरफ से आने वाले वाइजरूम ब्लूटूथ कॉलिंग की अनबॉक्सिंग की थी। उस वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है दूसरी नंबर वीडियो है। आज की वीडियो जो है सैंडिक्स की तरफ से आने वाला सैंडिक्स एक्सट्रीम 128GB मेमोरी कार्ड की होने वाली है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, इसका अभी तक मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं किया। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन जानेंगे, इसकी प्राइसिंग वगैरह जानेंगे और जानेंगे कि ये किस चीज़ के लिए सफिशियंट है, क्या ये गोप्रो में जो है लग सकता है या नहीं लग सकता है, गोप्रो में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल रॉयल शुभम टेक्निकल। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मेमोरी कार्ड का अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सैंडिक्स की तरफ से आने वाला मेमोरी कार्ड का फुल पैकेट है। चलिए हम लोग जो है इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। दोस्तों फाइनली हमने जो है इसको कट कर लिया, अब चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सैंडिक्स की तरफ से आने वाला सैंडिक्स एक्सट्रीम माइक्रो SD कार्ड। चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके फुल स्पेसिफिकेशन जानते हैं, इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, क्या हम लोग के लिए जो ये GoPro के लिए बेस्ट है या नहीं है, अगर आप डिवाइस में यूज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है कि नहीं, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फाइनली हमारा जो है यहाँ पे सैंडिक्स एक्सट्रीम माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैंने 128GB का मंगवाया हुआ था। इसमें यहाँ पे देखिए स्पीड जो है इसमें 190 का है और राइट स्पीड जो है यहाँ पे 90MB का है, यानी बहुत ही फास्ट मेमोरी कार्ड है। यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे 4K अल्ट्रा SD ड्रोन में आप एक्शन कैमरा में इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट आपको बता रही है कि यहाँ पे जो है आप 4K में जो है आप इसको जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये 4K रिकॉर्डिंग बहुत ही आसान तरीका से कर सकता है। आप अगर ड्रोन यूज करते हैं तो ड्रोन में भी यूज कर सकते हैं, अगर आप एक्शन कैमरा यूज करते हैं तो एक्शन कैमरा में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सैंडिक्स की पूरी ब्रांडिंग की गई है। चलिए हम लोग पीछे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे जो है कस्टमर केयर का भी डिटेल्स वगैरह नीचे में दिया हुआ है। इसके जो प्राइस जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्राइस जो है हमें प्रोडक्ट पे 2900 मेंशन की गई है, यानी 2900 रुपये जो प्राइस मेंशन की गई है। और यहाँ पे जो है इसकी MFG डेट जो है मई 2023 की दी गई है। मेमोरी कार्ड जो वाटर प्रूफ मिलेगा, टेम्परेचर प्रूफ मिलेगा, शॉक प्रूफ मिलेगा और एक्सरे प्रूफ मिलेगा। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें 1 ईयर के लिए जो है रेस्क्यू प्रो डिलक्स करके जो है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑफर मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड करते हैं तो 1 साल के अंदर अगर आपका किसी भी तरह का इसमें से फोटो वीडियो वगैरह डिलीट हो जाता है या मिसिंग हो जाता है तो आप इसे जो है अपग्रेड करके जो है इसे वापस मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही है हमारा, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे जो है 128GB का जो है मैंने मेमोरी कार्ड मंगाया। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम लोग इसको देखते हैं कि ये GoPro में जो है वर्क करेगा या नहीं करेगा, अगर हम इसे डिवाइस में यूज करते हैं तो डिवाइस में कैसा वर्क करता है। हमें मान लीजिए यहाँ पे 128GB का मेमोरी कार्ड है तो इसमें हमें स्पेस कितना देखने को मिलता है। फाइनली हमने इसे कट करके जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जो मेमोरी कार्ड बाहर निकाल लिया। चलिए हम लोग इस मेमोरी कार्ड को देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही छोटा साइज का जो हमें एक मेमोरी कार्ड देखने को मिल रहा है। चलिए इसको जो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सैंडिक्स एक्सट्रीम 128GB यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेड येल्लो का जो है मिक्सचर दिया हुआ है, यानी रेड और येल्लो कलर में जो है ये मिक्स करके जो है मेमोरी कार्ड आता है। यहाँ पर जैसे कंपनी ने मेंशन की हुई है 4K अल्ट्रा SD ड्रोन एक्शन कैमरा, तो हम लोग आज यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि ये जो मेमोरी कार्ड है ये हमारे एक्शन कैमरा यानी GoPro, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे पास में जो है GoPro का हीरो 9 है। दोस्तों इसकी जो वीडियो है मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो जो है बना ली थी, पर किसी रीजन से जो है ये चैनल पे अपलोड नहीं हो पाई है, फिर से मैं इसे एडिटिंग में लगाया हूँ, वो भी वीडियो जो है जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। ये मैंने अभी फिलहाल में ही परचेज किया, कुछ दिन पहले ही जो है मैंने इसे परचेज किया था, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी जो है जल्द आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आज जो हम लोग इस मेमोरी कार्ड को जो है इसी GoPro में यूज करके देखने वाले हैं कि GoPro में हमारा मेमोरी कार्ड 128GB का मेमोरी कार्ड जो है वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा GoPro है,
ये मैंने यूलांजी केस के साथ जो है इसे परचेज किया था। यहाँ पे मैंने यूलांजी केस लगाया हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें वीडियो शूट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माइक लगाने के लिए जो है यहाँ पे आपको एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जो अडेप्टर भी मैंने परचेज किया, बट यहाँ पे जो है अभी आपको देखने को मिल नहीं रही है। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो है गोप्रो का जो है बैटरी है। अभी गोप्रो में जो है हमने बैटरी लगा के रखी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कॉर्नर को ओपन करते हैं। कॉर्नर जैसे ही ओपन कीजिएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से इसमें एक मेमोरी कार्ड लगाई हुई है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये मेमोरी कार्ड मैंने कितने जीबी की लगाई हुई है। जैसे ही मैं इसे बाहर निकालता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 32 GB की जो है एक सैंडिक्स की मेमोरी कार्ड मैंने पहले से लगाई हुई है। बट ये जो नॉर्मल मेमोरी कार्ड है, इसमें जो है आप 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते। अगर आप 4K वीडियो शूट कीजिएगा तो उसमें जो है आपका फ्रेम कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है स्पेशली गोप्रो के लिए जो है इस मेमोरी कार्ड को मंगवाया है, क्योंकि ये जो है 4K सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आज जो हम लोग इसी मेमोरी कार्ड को लगा के देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 32 GB का मेमोरी कार्ड लगा के भी दिखा देता हूँ कि इसमें जो है कैसे ये वीडियो जो है शूट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेमोरी कार्ड लगा देते हैं, इसके बाद हम लोग जो है बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने के बाद जो हम लोग मिलते हैं, तो जो पहले से 32 GB का मेमोरी कार्ड था मैंने उसी को अभी फिर से फिल कर दिया। यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा दिए। बैटरी लगाने के बाद हम लोग इस कवर को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको स्विच दिया जाता है। आप 2 सेकंड के लिए इसको प्रेस कीजिएगा तो ये जो है आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक बीप का ऑप्शन देगा। यहाँ पे हमें अपडेट टाइम, डेट एंड टाइम का ऑप्शन दे रहा है, तो हम लोग जो है इसको अपडेट कर लेते हैं। इसके बाद से मैं आपको बताता हूँ। फाइनली हमने जो है यहाँ पे डेट वगैरह जो है मैन्युअली अपडेट कर लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैटरी हमें 33% का बैटरी शो कर रहा है। यहाँ पे ऊपर में जो है आपको मेमोरी कार्ड शो कर रहा है कि मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। और आप जो है इसमें 32 मिनट 45 सेकंड की जो वीडियो जो है अभी आप शूट कर सकते हैं लगातार, क्योंकि दोस्तों 32 GB का मेमोरी कार्ड है। उस मेमोरी कार्ड में मैंने पहले से भी बहुत सारी चीज़ रखे हुए हैं, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे जो देखिए दे रहा है 32 मिनट 45 सेकंड जो है आप इसमें लगातार वीडियो शूट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम रेट दिए रहते हैं, आपको जिसमें भी शूट करना है आप लोग शूट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये 32 GB का मेमोरी कार्ड था, इसलिए यहाँ पे जो 32 मिनट 45 सेकंड का टाइम दे रहा है। अब हम लोग जो है इसमें 128 GB का मेमोरी कार्ड लगा के ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो है कितना स्पेस देखने को मिल रहा है। ऐसे तो इसमें स्पेस बताएगा नहीं, स्पेस देखने के लिए जो हमें मोबाइल में इसे लगाना होगा तो वहाँ पे जो हमें स्पेस बताएगा। बट यहाँ पे आपको बताएगा कि आप कितने देर के लिए जो है यहाँ पे आप वीडियो लगातार अगर शूट करना चाहते हैं तो कितने देर के लिए आप वीडियो लगातार शूट कर सकते हैं। दोस्तों ये गोप्रो जो है मैंने परचेज किया स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए। हम लोग का जो नया चैनल भी जो है क्रिएट हो गया रोल्स फ्रॉम ब्लॉग्स के नाम से, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर ब्लॉगिंग देखना आप पसंद करते हैं तो आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर भी जो है आपको जल्द से जल्द ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी। लेकिन तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे अपना इसको ऑफ करते हैं और यहाँ पे 32 GB का जो मेमोरी कार्ड है इसे हम लोग बाहर निकाल के इसमें 128 GB का जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसको ऑफ करने के लिए फिर से यहाँ पे जो है आप 2 सेकंड के लिए इसको जो है बीप की प्रेस कीजिएगा, ये जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पावरिंग ऑफ हो गया है। इसके लिए फिर से आप जो है इसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बैटरी बाहर निकालना होगा। बैटरी बाहर निकालने के बाद आप जो है अपना मेमोरी कार्ड जो है बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर जो आपको 128 GB की जो भी मेमोरी कार्ड आपके पास में है उसको जो है आप यहाँ पर लगा लीजिए। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 128 GB वाली मेमोरी कार्ड लगा ली, बैटरी लगा ली। अब जो है हम लोग इसको क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद यहाँ से फिर से जो हम लोग इसको प्रेस करेंगे 2 सेकंड के लिए प्रेस करने के बाद में जो है ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है फिर से खुलकर आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैटरी हेल्थ 31% दे रहा है और यहाँ पे आप लोग मेमोरी कार्ड हमारा जो सपोर्ट कर लिया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग जो है, मैं आपको दिखा दूँ टाइमिंग जो है यहाँ पर आपको 5 घंटा 7 मिनट का जो है टाइमिंग हमें दे रहा है। यानी आप लगातार इसमें जो है 5 घंटा 7 मिनट अभी जो है वीडियो आराम से शूट कर सकते हैं। इसमें जो है आप किसी भी फ्रेम रेट में वीडियो शूट कर सकते हैं। आप 1080p में करना चाहते हैं तो 1080p में कर सकते हैं, 4K में करना चाहते हैं तो 4K में कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड पसंद है आप उस मेथड में जो है आप आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए मैं इसको जो है एक बार अपने मेमोरी कार्ड को अपने मोबाइल में भी लगा कर देख लूँ कि यहाँ पर जो हमें कितने स्पेस 128 GB में कितना स्पेस दे रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से मेमोरी कार्ड को निकालते हैं और अपने मोबाइल में लगाते हैं। फाइनली जो है मैंने मेमोरी कार्ड को जो है अपने सैमसंग के मोबाइल में जो है लगा दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 32 GB की मेमोरी कार्ड बाहर में ही है
और मैंने इस मोबाइल में जो है अपने 128 GB की मेमोरी कार्ड को लगा दिया। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमें जो मेमोरी कार्ड में कितना स्पेस देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज SD कार्ड, यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि हमें जो है यहाँ पे 119 GB यानी 128 GB में जो है आपको 119 GB फ्री स्पेस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें 119 GB जो है खाली स्पेस देखने को मिल रहा है, जिसमें आप जो है किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं। यानी 128 GB में से में जो है आपको 119 GB जो है स्पेस खाली देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी जो है अगर 4K वीडियो शूट होता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो आप लोग जो है बहुत आसान तरीके से दोस्तों इस मोबाइल में जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ऐसे मैं इस मोबाइल को यूज भी नहीं करता हूँ, बट इसमें जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। अगर आपके मोबाइल में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो आप अपने मोबाइल में इस मेमोरी कार्ड को लगा के 4K वीडियो बहुत ही आसान तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक मेरे पास में है ओप्पो रेनो 8 5G है, जिसमें जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बट इसमें क्या है कि इसमें मेमोरी कार्ड लगती नहीं है। इसलिए अगर आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगती है और 4K वीडियो शूट होती है, तो आप लोग जो है बहुत आसान तरीके से जो है 4K वीडियो अपने मोबाइल में भी शूट कर सकते हैं। या अगर आपके पास में एक्शन कैमरा है, ड्रोन कैमरा है, तो आप वहाँ पर भी लगा के जो है अपने मेमोरी कार्ड से 4K वीडियो बहुत ही आसान तरीके से शूट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें तीन वर्जन आता है, एक जो होता है अल्ट्रा वर्जन आता है, जहाँ पर आप जो है फुल HD में वीडियो शूट कर सकते हैं, बट वहाँ पर जो है 4K वीडियो में 4K रिजोल्यूशन में वीडियो शूट नहीं कर सकते। दूसरा जो मैंने परचेज किया है सैंडिक्स एक्सट्रीम करके, यहाँ पे 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है एक प्रो आता है सैंडिक्स एक्सट्रीम प्रो, जो बहुत ही अपडेट वर्जन आता है, उसमें भी 4K वीडियो शूट होता है, बट उसको जो है प्रीमियम क्लास की प्रीमियम के लिए अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं, लैपटॉप वगैरह है, तो आप उसके लिए उसको ले सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा नीड है तभी आप उसको लीजिए, लेकिन जो वर्क वो करता है सेम वर्क जो है आपका ये मेमोरी कार्ड भी करके देगा, बट उसकी प्राइस जो है आपको लगभग लगभग 3,000 रुपये के करीब, 128 GB का ही आपको प्राइस जो है 3,000 रुपये के करीब पड़ेगा। इसको मैंने कितने परचेज किया मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। अल्ट्रा जो है आपको लगभग लगभग 1,000 रुपये में आपको 128 GB का मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा कि हमने अनबॉक्सिंग की थी सैंडिक्स एक्सट्रीम 128 GB मेमोरी कार्ड की। तो दोस्तों अगर आप भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप भी डिवाइस से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या कैमरा से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको जो फुल्ली रिकमेंडेड है कि आप जो है इस मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका अपग्रेड वर्जन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बट उसकी प्राइस जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, वो तकरीबन आपको 2500 से 3000 के बीच में देखने को मिलेगी। ये जो है नॉर्मल प्राइस में आपको बहुत ही बढ़िया वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपके पास GoPro हो या किसी प्रकार का भी कैमरा आप उसमें जो है यूज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी लगा के 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। मेरे तरफ से जो है फुल्ली रिकमेंडेड है, आप बाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आ गए अभी तक आपने जिसके लिए इंतजार किया, सबसे मेन वीडियो का टॉपिक इसकी प्राइस। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने साइड में आपका स्क्रीनशॉट डाल दिया, ये मैंने जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसकी जो है मुझे प्राइस पड़ी थी 1069 यानी 1069 रुपया जो है इसकी मुझे प्राइस पड़ी थी। ये मैंने जो सेल में परचेज किया था, अगर आप विदाउट सेल में ही परचेज करते तो ये आपको अराउंड 1500 के अंदर में मिल जाएगी। अगर आपको 1500 के अंदर में ये मेमोरी कार्ड मिल रही है तो आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप सेल में परचेज करते हैं तो ये आपको 900-1000 के बीच में आराम से देखने को मिलेगी। तो हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि हम लोग का जो है एक चैनल और क्रिएट हो गया है रॉयल्स वेम ब्लॉग्स के नाम से, जो आपको ब्लॉगिंग चैनल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप जो है प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें आपको ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी। मेरी जितनी भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोज होगी सारी वीडियोज जो है उस चैनल पर देखने को मिलेगी, आप भी मेरे साथ मिलकर घूम सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए।